आप लोग भी सोच रहे होंगे यार, वीडियो तो व्हाट्सएप चैट ट्रांसलेटर की थी, बट ये साइलेंस समंदर पे बंदा क्या कर रहा है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि सामने है साइलेंस समंदर और वीडियो भी है व्हाट्सएप चैट ट्रांसलेटर की। मैंने सुना है कि व्हाट्सएप चैट ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें साइलेंस समंदर पार लोगों से उनकी ज़ुबान में बात करना होती है। तो ये सोच कि हम आ गए साइलेंस समंदर पे आपको सिखाने के लिए। लो, मैसेज भी आ गया साइलेंस समंदर के उस पार से। ये हैं टीम जो थाईलैंड में रहते हैं और इनको थाई के अलावा कोई लैंग्वेज टाइप करना नहीं आती। तो हमें कौन सी आती थी, बट हम भी निकले स्मार्ट और हमने इंस्टॉल कर लिया व्हाट्सएप चैट ट्रांसलेटर और इनसे इन्हीं की जुबान में बात करी, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। उससे बाद क्या हुआ, ये समझ बैठे हमें कि हम भी थाईलैंड के ही बंदे हैं और हम भी थाई हैं। तो दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी और एंजॉय भी हमने कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अपने व्हाट्सएप पे रहते हुए किसी भी जुबान में ट्रांसलेटर यूज करके आप चैट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा व्हाट्सएप चैट है और मेरे पास ये मैसेज आया है थाई के अंदर और मुझे इसका रिप्लाई भी करना है थाई लैंग्वेज के अंदर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे ये है कि पहले मैं इसको अंडरस्टैंड करूँ कि इसने क्या बात की है, उसके बाद इसको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं टाइपिंग में जाता हूँ और टाइपिंग में जाने के बाद आप देखें यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ये देखें ये जो ट्रांसलेट का जो बटन यहाँ पर ऐड हुआ है इसको मैं यूज़ करूँगा। किस तरह यहाँ पर ऐड होगा वो मैं आपको आगे से वीडियो में बताता हूँ। आप ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शन 1 में जाएंगे और यहाँ से आप चेक लगा देंगे डिटेक्ट लैंग्वेज। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जिस जुबान में आपको अंडरस्टैंड करना है, यानी जुबान को समझना है, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं अपनी नेटिव यानी कि उर्दू लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा तो इस जुबान का ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है। इसने मुझे बोला है कि मिलकर खुशी हुई, मैं अपना प्रोजेक्ट ईमेल के ज़रिए भेज रहा हूँ, इसे चेक करें। तो फ्रेंड, आई होप कि आप समझ चुके हैं कि यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से ऑटो करा, यहाँ से जिस ज़ुबान ने मुझे समझना है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ मैंने पेस्ट किया तो इसने इसका ट्रांसलेशन मुझे यहाँ पे दे दिया। अब मुझे इसका रिप्लाई भी इसी लैंग्वेज के अंदर करना है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे पता चल गया कि ये लैंग्वेज थाई है। तो मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई करने के लिए मैं सेकंड ऑप्शन में जाऊँगा और जिस लैंग्वेज में मुझे टाइपिंग करनी है यहाँ से वो ले लूँगा। फिलहाल मैं यहाँ से इंग्लिश ले लेता हूँ और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा थाई। और अब अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग करूँगा इंग्लिश में तो उसका ट्रांसलेशन जो होगा यहाँ पे थाई लैंग्वेज के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके, आई विल चेक योर ईमेल। आप देखें यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश के अंदर टाइप किया, ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है वो थाई लैंग्वेज के अंदर हुआ। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने टाइपिंग तो इंग्लिश में की थी लेकिन उसका रिप्लाई उसी लैंग्वेज के अंदर गया है। इस तरह आप चैट कर सकते हैं यहाँ पे। बस आपको ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 का ख्याल रखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसका रिप्लाई करना है। और अब हम बात करते हैं कि इन एप्लीकेशन को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर डाउनलोड करेंगे गूगल ट्रांसलेटर और उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे जी बोर्ड। फ्रेंड्स, ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके व्हाट्सएप में ट्रांसलेशन की एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप व्हाट्सएप में जाएंगे, टाइपिंग में जाएंगे और जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको ये ट्रांसलेट का जो आइकन है नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।